खानपुर में किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बैंक खाते की केवाईसी बार बार बदलने को लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष इरफान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक मैनेजर खाता धारकों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है, साथ ही बैंक का समस्त स्टाफ बैंक में आए हुए लोगों को परेशान करता है। इसी क्रम में पीड़ित पीएनबी उपभोक्ता ने बताया कि कई बार तो लोगों को बैंक से पैसे निकालने में भी नहीं दिया जाता है, जिससे लोग परेशान होकर घर लौट जाते हैं। वही प्रदर्शन कर रहे लोगों की सूचना पाकर कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने मामला शांत कराया और बैंक मैनेजर को सभ्यता के बारे में लोगों के साथ उचित व्यवहार करने की बात की। खानपुर से संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। मेरे एक जगह से 2 लाख रुपए मैंने खाते में डलवाए, उन्होंने कहा केवाईसी कराओ, एक बार कराई, दो बार कराई, तीन बार कराई, मेरा पैसा नहीं दिया। मेरी बहनावे की तारीख निकल गई लेकिन मेरा पैसा मुझे नहीं मिला। इतना अत्याचार होता है इस बैंक में। बैंक मैनेजर से आपका मिले इस बारे में? हाँ मिले थे, वो ये कह रहे हैं कि आपका फोटो ही मैच नहीं कर रहा, तो फोटो तो वही आदमी में वही कहीं बदल गया, तो उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया। फिर अध्यक्ष जी आए, इन्होंने बात करी, जब इन्होंने मेरा पैसा दिया वो काफी परेशान करने के बाद। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मैं पीएनबी बैंक में इसलिए आना पड़ा है मुझे कि इस पीएनबी बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के खाते से पैसे काटे जा रहे हैं बिन बताए। भोले भाले किसान हैं इस बैंक में जुड़े हुए, और यहाँ पे जो है ना, अगर कोई 1 लाख रुपये डालता है तो उसे रिटर्न 1 लाख रुपये वापस नहीं हो पाते। इसी तरीके से एक फरान है हमारा, किसान सेना का ही है, तो उनके उन्होंने एक कृषि कार्ड पे लोन लिया था, नूडल्स उन्होंने कहा हम देंगे, हमारे पास है। उन्होंने कहा एक दिन मैं आया यहाँ पे 9 तारीख में, तो सुबह ही आया, सुबह मैंने कहा मैनेजर साहब मेरी वो चेक करो क्या हुआ, निकले नहीं निकले पैसे, तो कहाँ लगे मैं अभी आ रहा आप हिसाब कर कहूँ। 5 बजे तक के तो उनका हिसाब नहीं निकला, 5 बजे तक के आई नहीं, मैं यहीं रहा, यहीं बैठा रखा 5 बजे तक आई नहीं, 5 बजे तक। फिर उसके बाद में 5 बजे के बाद घर पहुंचा, फिर अब बुलाया था उन्होंने आज में कह रहे आपके 10,000 रुपये वापसी नहीं आने के और 47 रुपये वापसी आएंगे।